जौहरी भी फेल हो जाए जब आप माता रानी के लिए ऐसे आभूषण घर पर बनाएं। तो चलिए इस नए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुक विद हेमा में। तो आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत 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 बधाई हो। भगवान शंकर और माँ पार्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे। और हरतालिका तीज का व्रत जो होता है सौभाग्यशाली स्त्रियों के लिए होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है और बहुत ही कठिन व्रत होता है। इस व्रत में 24 घंटे तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता है। बहुत ही कठिन तपस्या जैसी होती है। और इस व्रत में मिट्टी की मूर्तियां बना करके उनकी पूजा की जाती है। माता पार्वती के आभूषण, श्रृंगार का सामान, वस्त्र आदि आते हैं। भोग प्रसाद बनता है, पुआ पूड़ी, मिठाइयाँ आदि का भोग लगाया जाता है, उनके जेवर बनाए जाते हैं। तो ये आभूषण जो हमने बनाए हैं ये आज आटा और बेसन से बनाए हैं। तो हमारे यहाँ हरतालिका तीज पर जो माता पार्वती के आभूषण बनाए जाते हैं वो आटा से और बेसन से बनाए जाते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि जो जेवर सोने के होते हैं उनको बेसन से बनाते हैं और जो जेवर चांदी के होते हैं उनको हम आटा से बनाते हैं। तो हम आभूषणों को जैसी भी डिज़ाइन दे सकते हैं, जैसा सुंदर सुंदर सा बना सकते हैं, उनको रुच रुच कर बनाते हैं। क्योंकि हमें उनके जेवर बनाने का, उनके आभूषण बनाने का हमें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है हम उसे खोना नहीं चाहते हैं। उनकी जैसी कृपा होती है, जैसा हमको बनाना आता है हम उसी तरह से उसको बनाते हैं। और बनाने के बाद उसको बड़े ही मन के साथ माता पार्वती को अर्पित करते हैं। उनका भोग प्रसाद, उनके वस्त्र, श्रृंगार का सामान सब चीज़ अर्पित करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमने बेसन से बनाए हैं। जितने भी सोने के जेवर हैं उसमें बहुत सारे नथ है, हाथ की अंगूठी है, हाथ की चूड़ियां हैं, बाजू बंद हैं, झुमके हैं, कान के कुंडल हैं, झाले हैं, मांग टीका है, जो भी आप बना सकते हैं, जो भी आभूषण हम पहनते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी है वो सारे आभूषण हम बनाते हैं। और ये देखिए चांदी के आभूषण हैं, इसमें हमने कड़े, पायल, बिछुए, कमरबंद, कमर पेटी सभी कुछ बनाया है। और आप भी ऐसे जो जो बना सकते हैं आप ज़रूर बनाइए और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए कि आपके यहाँ भी क्या हरतालिका तीज पर इस तरह से आटा और बेसन के जेवर बनाए जाते हैं। अगर बनाए जाते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो बेसन के आभूषण होते हैं उसमें हम थोड़ा सा आयल डाल के और उसका डो लगा लेते हैं, सख्त डो लगाते हैं, और उसके बाद हम जेवर को बनाते हैं। तभी हमारे जो आभूषण होते हैं ये बहुत ही सुंदर बन पाते हैं और बहुत ही साफ डिज़ाइन बन पाती है। तो ये देखिए हमने कितने सारे आभूषण के बनाए हैं, बहुत ही सारे बनाए हैं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर बनाइएगा जो जो व्रत हैं। ये देखिए हम आपको हाथ में लेकर के दिखाते हैं एक एक आभूषण को। तो ये देखिए हमने माता रानी के लिए हार बनाया है, कितना सुंदर डिज़ाइन का है। हमने कई डिज़ाइन के बनाए हैं तो हमने एक ही हार आपको हाथ में लेकर के दिखाया है। ये कान के बाले हैं, कितने सुंदर से बने हुए हैं। तो इस पे हमने आटे के छोटे छोटे से रोल लगा करके इस पे डिज़ाइन किया है। आप किसी भी चीज़ से, टूथपिक से, फॉक से, या जैसे भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं आप डिज़ाइन करके उनको सुंदर से सुंदर बनाइए। ये देखिए हाथ की मुंदरी है, यानी कि अंगूठी है, और अंगूठी को हमने बनाया है। बहुत सारी डिज़ाइनें हमने बनाई हैं, ये तो हम कुछ चीज़ें आपको दिखा रहे हैं और बाकी थाली में आपको दिख रही हैं। ये देखिए कमर बंद है, हार की डिज़ाइन देख सकते हैं, कान के बाले देख सकते हैं, नथ है, बहुत कुछ, मांग टीका, और बहुत कुछ हमने बनाया है। ये देखिए ये मांग टीका है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इसके बाद सारे आभूषणों को बनाने के बाद हम आयल में फ्राई करते हैं और उसके बाद माता रानी का भोग लगाया जाता है, उनको अर्पित किए जाते हैं। ये देखिए कान के झाले हैं और ये सब अलग अलग डिज़ाइन में हमने बनाए हैं। ये देखिए कर्णफूल हैं, ये झाले, कर्णफूल, बाले, जो भी आप बना सकते हैं आप बनाइए, क्योंकि इनको बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि हम कोई भी जब पूजा पाठ करते हैं, मन लगा कर करते हैं, उनका भोग प्रसाद बनाते हैं तो हमको अंदर से बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और तो आप भी ऐसे ज़रूर बनाइए। ये देखिए बाजू बंद, कितने सुंदर सुंदर से बाजू बंद हमने बनाए हैं, और मांग टीका भी है, ये नथ हमने बनाई है। हमारे यहाँ ये बनाए जाते हैं तो हमें लगा कि जानकारी आप तक पहुँचानी चाहिए। और अगर आप नहीं बनाते हैं तो आप भी ऐसे बनाइए। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइज़ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।